मानसी मानसी जी जी, ये देखो कैसा है। अरे वाह, ये वास तो बहुत अच्छा है और आपके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, आप पे बहुत जच रहे हैं। तुम्हारी चॉइस ही कुछ ऐसी है। सुनिए, ये वास तो बड़ा महंगा लग रहा है, किसके लिए लाए हैं? अरे कल बॉस की वाइफ का हैप्पी बर्थडे है ना, उनके लिए लिया है मैंने। अगर प्रमोशन चाहिए तो चमचागिरी तो करनी, मतलब इम्प्रेशन तो डालना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए लिया है उनके लिए। अच्छा एक काम करो, इसको संभाल के अंदर रख दो। हाँ ये लो भैया। भैया ये रजनीकांत की तरह हवा में फ्रीज कैसे हो गया? रजनीकांत कौन सी फिल्म में फ्रीज हुआ था? वो एक साउथ की फिल्म थी। अरे भैया वो बाद में, पहले इसको बुलाइए। रिंग रॉन्ग रिंग, ये वास इनके हाथ में आ जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। अरे कम कम, हेलो, क्या करते हो जय? कितना महंगा आवाज है, अगर टूट जाता तो ये आवाज इट वॉज हो जाता। भैया मैं तो वैसे ही आपको गुड मॉर्निंग वाली गुदगुदी। गुड मॉर्निंग। अजय तुमने घर में काला चश्मा क्यों पहना है बताओ? ये भाभी मैं एक नए सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इट्स अ ब्लैक थ्रिलर, काली रात। इसलिए दिन में काला चश्मा पहन के रात को महसूस कर रहा हूँ। चश्मा उतारो। चश्मा और इसको संभाल कर रखिए। ओके ओके। अरे विजय सर जी नमस्ते। आइए आइए, क्या हाल चाल है अपना समझ के। आइए धर्मवीर जी, वेलकम। आइए 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 आइए। सुनिए जी, ये लोग कौन है? आइए अब अपना। भाभी जी इनसे क्या पूछनी है, मुझसे पूछ लीजिए अपना समझ के। कौन है आप लोग? हम लोग देवी प्रसाद अनाथालय से हैं। वो विजय सर ने कहा था कि कुछ पुराने कपड़े दे देंगे अपना समझ के। अच्छा। भाई मानसी ने कुछ पुराने कपड़े दे दो अपना समझ के, मतलब पुराने कपड़े समझ के। अच्छा ठीक है। रिंग रॉन्ग रिंग, घर के सारे पुराने कपड़े मेरे पास आ जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। ये तो फिर गड़बड़ हो गई। अरे रुको रुको रुको, अरे मेरे पर्दे, ये सारे कपड़े। और तो और, कपड़े कहाँ गए आप लोगों के? कपड़े कहाँ गए आप लोगों के? धर्म तो कपड़े मांगने आए, या तो खुद के उतर गए। मानसी नीचे जाके देखती हूँ कोई कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। अरे अब कहाँ है, क्या हो गया, अब वहाँ क्या कर रहे हैं? कपड़े नहीं पहने हुए ना हमने। लेकिन आपने तो कपड़े पहने हुए हैं ना, क्या हुआ? हाँ, मेरे तो हैं यार, मेरे तो हैं। क्या हुआ? लेकिन ये धर्मवीर की जोड़ी है ना, इनके कपड़े गायब हो गए। नीचे बैठ गए आप, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सुनिए आप रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। रिंग रॉन्ग रिंग, इस हॉल में से जितने भी पुराने कपड़े गए हैं ना वो वापस आ जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। मानसी कुछ इंतजाम हुआ? जी जी, ये कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? वो देखिए, उन्होंने कपड़े पहन लिए। मानसी गुलाब आ गया। मानसी ये बात समझ नहीं आई कि कपड़े गायब कैसे हो गए। चलो गायब हो गए तो गायब हो गए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कपड़े आए तो आए कैसे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। लाइफ में कितनी सारी चीजें होती है जो होती है लेकिन हमें समझ में नहीं आती है, होती है ना? मानसी तुम एकदम ठीक कह रही हो, जब बचपन में मुझे मैथ्स के सवाल समझ में नहीं आते थे, लेकिन समझ में नहीं आते थे लेकिन मैथ्स के सवाल तो होते थे ना, होते थे ना। तुम चीजों को कितना सरल कर देती हो, आज मौका भी है और अकेले भी है। तो सोच रहा हूं मैं दिल की बात कही तुम, अपनी आंख बंद करो। मानसी बहुत चाय। जी माँ जी। माँ कभी तो हमें अकेला छोड़ दो अपना समझ के। बस बहुत हो गया, बदमाश अंगूठी, हेल्प करने के बजाय तू मुझे हेल्पलेस कर देती है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मानसी तू अकेले सारा काम खुद कर सकती है, तुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, चल शुरू हो जा। Oh,
देखा मानसी, तूने कर दिखाया। अगर इससे हेल्प लेती तो मेरा कोई काम नहीं होता। वैसे भी अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारा काम खुद कर सकती हूँ। न रहेगा बांस न बजे की बेसुरी बांसुरी। बाऊजी, बाऊजी आप कहाँ हैं? अरे मैं ड्रॉर में हूँ, मुझे बाहर निकाल, मेरा दम घुट रहा है। बाऊजी आप अंदर क्या कर रहे हैं? एक मिनट आइए। आराम से बाऊजी आप अंदर क्या कर रहे थे? बहू मैं तो रिंग के साथ पैकेज डील में हूँ ना, रिंग के साथ बाऊजी फ्री, जो रिंग के साथ होता है वही मेरे साथ होता है। अब तूने इस अंगूठी को ड्रॉअर में डाल दिया तो मैं भी ड्रॉअर में बंद हो गया। सॉरी सॉरी बाऊजी, वो क्या है ना, मैं इस बदमाश अंगूठी को बंद कर रही थी, आपको नहीं। पर क्यों बेटा, ये तो तेरी कितनी हेल्प करती है। हेल्प? बाऊजी ये हेल्प कम करती है, पंगे ज्यादा लेती है। आपको पता है मैं ऐसे कहती हूँ, ईस्ट जा तो ये वेस्ट चली जाती है, पता ही नहीं चलता है कि ये कब क्या कर बैठेगी। मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए बस। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कर, अब दुनिया में हर कोई परफेक्ट थोड़ी होता है। अब किसी मुर्गे को बोलो कि चील की उड़ान भरे तो कैसे करेगा बेचारा वो। बाऊजी ये ऐसा मुर्गा है जो मुझे बार बार बकरा बना देती है, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए बस। पर मेरी बात तो सुन बेटा। बाऊजी इस अंगूठी के अलावा मुझसे और कोई बात करनी है? नहीं। तो बस बात करने का कोई फायदा नहीं है। बाऊजी इस बार तो आप बंद नहीं हुए, क्यों? मैं तो पहले भी बंद नहीं हुआ था, मैं तो पहले भी मजाक ही कर रहा था बेटा। मैं तो इतना चाहता हूँ कि तू ये अंगूठी को पहने रख बस। मैंने कहा ना बाऊजी मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। और हाँ मैं बहुत थक गई हूँ, नहाने जा रही हूँ, प्रणाम। अरे भाऊ ये तो नाराज होकर चली गई। अब हेलो मानसी, गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हो गया जी? पता है राज बॉस की वाइफ से बात कर रहा था कि वो उन्हें बर्थडे पे ना क्रिस्टल वाज देने वाला है। हमारे वाला? तू मेरी तरह बात क्यों कर रही हो मानसी? दरअसल मैंने सवेरे उससे कह दिया था कि मैं बॉस की वाइफ को क्रिस्टल वाज देने वाला हूँ बर्थडे गिफ्ट, तभी उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब अगर मैं भी क्रिस्टल वाज दूंगा तो बॉस की वाइफ को लगेगा कि मैं राज की कॉपी कर रहा हूँ। सुनिए आप एक काम कीजिए, बॉस की वाइफ के लिए ना कुछ और गिफ्ट खरीद लीजिए। और हाँ इस बारे में राज भाई साहब को कुछ मत बता रहा, ठीक है? नहीं बताऊंगा। मानसी तुम चीजों को मेरे लिए कितना सरल कर देती हो। ओके बाय बाय। बाऊजी प्रणाम। लेकिन हाँ अंगूठी के बारे में कोई बात नहीं होगी। अरे सुन तो सही, सुन तो सही बहू, मैं तेरे लिए एक नई अंगूठी लेकर आया हूँ, ये बड़ी परफेक्ट रिंग है, एकदम परफेक्ट। ये रिंग वही करेगी जो तू कहेगी, जो तुमको पसंद वही बात करेगी, तुम ईस्ट कहोगी तो ये ईस्ट ही जाएगी। नहीं बाऊजी आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ना ताकि अंगूठी मैं अपने पास रख लूं। अरे बेटा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो खुद आजमा के देख लेना। अब रगड़ा रिंग तेरे हाथ में आ जा। अब देख इसका कमाल। बाऊजी आपने ये क्या किया? अरे बेटा जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया, जो तूने करना है वो तू कर, रिंग का इस्तेमाल कर, बोल रिंग रॉन्ग रिंग और कर दे वॉस को ठीक। अच्छा ठीक है ट्राई करती हूँ। रिंग रॉन्ग रिंग, ये वॉस पहले जैसा हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। है ना कमाल की रिंग? है तो सही। अब बेटा तू एक दिन के लिए इस रिंग को टेस्ट कर ले, अगर कुछ गड़बड़ करे तो वापस कर देना। ठीक है बाबूजी। लेकिन एक बात तू ठीक से समझ ले बेटा,
इस रिंग का ट्रायल पीरियड सिर्फ 24 घंटे का है। 24 घंटे के बाद भी अगर ये रिंग तेरे पास रही तो फिर बेटा मैं तुझसे मिलने कभी नहीं आ पाऊंगा। इस अंगूठी में से और अपने बाऊजी में से तुझे एक को चुनना होगा। अभी दोपहर के 2 बजे हैं, तेरे पास कल दोपहर के 2 बजे तक का टाइम है बहू। बाऊजी भी ना, मुझे पता है बाऊजी ना मजाक कर रहे थे, सुबह भी उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। ऐसा हो सकता है क्या कि बाऊजी मुझसे मिलने ना आए? रिंग तो कमाल की है, घर की सफाई की जाए। रिंग रॉन्ग रिंग, घर की सफाई शुरू कर दो। रिंग रॉन्ग रिंग। जल्दी जल्दी। क्यों बहू, सब ठीक है ना? बाऊजी प्रणाम, थैंक यू सो मच। आपको पता है ये रिंग सारे राइट काम करती है, मैंने इसे जितना कहा जो भी बोला ना उसने वही किया। नो बदमाशी, नो साइड इफेक्ट्स। लेकिन बेटा मैं तुझे फिर से याद करा दूं कि 24 घंटे के बाद भी अगर ये रिंग तेरे हाथ में रही तो फिर बेटा मैं इस घर में लौट के नहीं आ पाऊंगा। बाऊजी प्लीज मजाक मत कीजिए, आप मेरे बाऊजी हैं, कोई गुजरा हुआ वक्त थोड़ी है कि वापस ही नहीं आएंगे। मुझे पता है आप ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं ना। प्लीज बाऊजी, पता है कितने सारे काम पड़े हैं, रिंग को बहुत सारे काम करने हैं, तो हम बाद में मिलते हैं। प्रणाम। और हाँ, तुम सफाई करते रहो। थैंक यू। बहू को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उसके विपरीत है। अब अंगूठी भी उसके हाथ में है और मेरा इस घर में आना ना आना भी उसी के हाथ में है। क्यों ना इस रिंग को फिर से टेस्ट किया जाए। रिंग रॉन्ग रिंग, पौधों को पानी दिया जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। मासी मासी मासी। हाँ? क्या हुआ, रिंग से कोई हेल्प चाहिए? नहीं मासी, इस रिंग से कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्यों? वो क्या है ना मासी, कल मुझे मेरा ड्राइंग प्रोजेक्ट सबमिट करना है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये देखो। लेकिन आप इस रिंग से कुछ मत कहना वरना वो सब कुछ गड़बड़ कर देगी। अरे कोई गड़बड़ नहीं करेगी, पता है बाऊजी ने मुझे नई वाली रिंग दी है, देखो देखो। वाओ, ब्लू कलर। हाँ, और पता है ये सारे काम ना राइट करती है, देखना है तुम्हें? हाँ। अभी दिखाती हूँ। रिंग रॉन्ग रिंग, बंटी का ड्रॉइंग प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। वाह मासी, ये तो कंप्लीट हो गया। मासी आप तो सच कह रही थी, ये रिंग तो सब कुछ राइट करती है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को कल सबमिट करूंगा, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। एक मिनट, क्या खेलने जाता हूँ? पढ़ाई में नो जादू, मैं तो तुम्हें दिखा रही थी कि ये अंगूठी कैसे राइट काम करती है। अभी सारा प्रोजेक्ट अंडू करती हूँ, रुको। रिंग रॉन्ग रिंग, बंटी का प्रोजेक्ट जैसा था बिल्कुल वैसा हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। मासी ये तो बिल्कुल जैसा था वैसा होगा। हाँ, अपने स्कूल का होमवर्क तुम खुद करोगे बंटी। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, चलो। लगता बहू रिंग के साथ बहुत खुश है। दीना नाथ चौहान, अब तू इस घर से हमेशा के लिए गुल होने वाला है, हमेशा के लिए। आज तो जमुना दास की कचोरी में भी वो दम नहीं है। मानसी, मानसी। जी जी। अरे आप आ गए, कैसा था आज का दिन? दिन भर ये सोचता रहा कि बॉस की वाइफ को क्या गिफ्ट दूं, बॉस की वाइफ को क्या गिफ्ट दूं। तो क्या डिसाइड किया? डिसाइड किया, मैंने सोचा घर चलता हूँ, तुम डिसाइड कर लोगी। वैसे मेरे पास एक ऐसा गिफ्ट है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मानसी तुम चीज। रिंग रॉन्ग रिंग, कोई ऐसा गिफ्ट आ जाए जिसे देखकर बॉस की वाइफ खुश हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। अरे वाह, ये क्या है? अरे वाह, ये तो
तो बहुत सुंदर है। बॉस की वाइफ तो क्या, मिसेस ओबामा भी इसे देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। मानसी जल्दी से इसे पैक कर दे। रिंग रॉन्ग रिंग, इस बॉक्स पर गिफ्ट रैप आ जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। हाँ तो बड़ी परफेक्ट है। वाह भाभी वाह, आज का खाना कुछ कमाल बना था भाभी, कुछ डिफरेंट कुछ नया मेरी फिल्मों की तरह। भाभी आपके हाथों में जादू है। तुम्हें पता है आज मानसी ने मेरे बॉस की बीवी के लिए गिफ्ट लाके मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी। नाम वरीलेस। हाँ और तो और, मासी ने मेरे ड्राइंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प की। मासी यू आर द बेस्ट। मानसी मुझे बड़ा अचंभा होता है कई बार कि तुम इतनी सारी चीजें कैसे कर पाती हो। मैं बताऊं? बताओ बताओ बेटा बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है, खाना हो गया ना, ब्रश योर टीथ और जल्दी सो जाना, कल स्कूल है, गुड नाइट। बच्चों को बोलने का मौका दिया करो मानसी। सुनिए कल आपका ऑफिस है ना? हाँ है। तो जाइए आराम कीजिए, तब तक मैं ये समेट के आती हूँ। ठीक है चलिए भैया मैं भी चलता हूँ। अरे मेरा बेडरूम पहले माले पे, कुआलालंपुर पे नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये मैं वॉक की बात कर रहा हूँ, लेट्स हैव अ वॉक इन द गार्डन, मजा आएगा। बहू सब ठीक तो है ना? बाऊजी प्रणाम। बहू तो खुश है ना? जी बाऊजी मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। पता है इस नई वाली रिंग की वजह से ना मैं घर में सबको खुश रख सकती हूँ, क्योंकि ये रिंग रॉन्ग रिंग नहीं है, रिंग राइट रिंग है ना? तो फिर क्या फैसला किया है तूने? तू इस रिंग को अपने पास रखेगी? जी बाऊजी जरूर रखूंगी। रखेगी? बेटा लेकिन याद है ना कि अगर ये रिंग तेरे पास रही तो फिर मैं तेरे पास नहीं रह पाऊंगा। बाऊजी प्लीज मजाक मत कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैंने पहले भी कहा था कल अगर 2 बजे के बाद भी रिंग तेरे पास रही तो फिर मेरा इस घर में आना नामुमकिन है। बाऊजी मैं बहुत थक गई और मुझे बहुत नींद आ रही है, प्रणाम कल मिलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट लास्ट, गुड नाइट। मासी 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 आज आप अपनी रिंग से कहना कि मेरे टिफिन में मसाला डोसा भेज दे, अब मैं चलता हूँ मासी, मेरी बस आ गई, बाय। ये क्या बात है, आज बाऊजी मुझे गुड मॉर्निंग कहने नहीं आए, वैसे तो सुबह सुबह ही आ जाते थे। इस रिंग का ट्रायल पीरियड सिर्फ 24 घंटे का है, 24 घंटे के बाद भी अगर ये रिंग तेरे हाथ में रही तो फिर बेटा मैं इस घर में लौट के नहीं आ पाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैंने पहले भी कहा था कल अगर 2 बजे के बाद ये रिंग तेरे पास रही तो फिर मेरा इस घर में आना नामुमकिन है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.